पूरा मध्य प्रदेश इस समय सीवियर हीट वेव यानी प्राण घातक लू की चपेट में है। जी हाँ, हमारे मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हालात आने वाले दिनों में और भी बिगड़ने वाले हैं। सभी दूर गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ग्वालियर में 53 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और इंदौर में भी 43 डिग्री के आसपास पारा पहुंच चुका है। नौगांव में तो 49 हो चुका है पारा और कुल मिलाकर सभी दूर गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं। धौलपुर और बांदा के बाद तीसरा सबसे बड़ा गर्म शहर है नौगांव और कुल मिलाकर प्रदेश के 11 शहरों में 46 डिग्री से ज्यादा तापमान हो चुका है। बताया जा रहा है कि 53 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 8 जून 1966 को 47.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ था, लेकिन इसके बाद तो हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। लगातार बढ़ रही गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं और इससे निजात पाने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं। लू नहीं लगे इसके लिए लोग अपने जेब में प्याज रख रहे हैं, ठंडे पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, केरी का पना पी रहे हैं जो कि लू नहीं लगने देता और लू लगने की स्थिति में राहत भी उससे मिलती है। कुल मिलाकर सोमवार को भोपाल में भी लू चली और सीवियर हीट अटैक का असर अधिकांश इलाकों में दिखा। गर्मी को लेकर अभी यह वार्निंग दी गई है कि आने वाले समय में अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मानसून ने लक्षद्वीप और दक्षिणी अरब सागर, केरल के ज्यादातर हिस्से, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व, दक्षिणी पश्चिम, मध्य पूर्व, उत्तर पूर्व हिस्से कवर किए हैं, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में दस्तक देने में मानसून को बेहद ज्यादा समय लगेगा। तब तक तो गर्मी का मुकाबला करना ही है। इधर बच्चों के स्कूल भी 23 तारीख तक आगे बढ़ा दिए गए हैं, यानी उनमें 23 जून तक अवकाश रहेगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।